हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है, मैं अमृता। और ये देखिए, हमारे ये दूसरे वाले घर के किचन है। तो इसमें ना अभी नया नया कुछ दिन पहले ही पेंट कराया था, तो आपको कैसा लग रहा है बताना ये पेंट। और आज मैं खाने में ना बनाऊंगी भिंडी, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और ये हमारी किचन घर की, दूसरे वाले घर की। और मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा दिखाऊंगी, पूरी तो नहीं दिखाऊंगी किचन में। और ये देखिए किचन है हमारी यहाँ की, और ये देखिए मैं बस थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं शूट किया है मैंने किचन का, आपसे किसी और दिन शेयर करूँगी मैं। और आज मैं दिखाऊँगी आपको, तो मैं यहाँ पर किचन में काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा शूट करते हैं, तो मैंने बस थोड़ा सा यही किया है। और अब हम बनाएंगे खाने में भिंडी, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब देखिए, ये देखिए गाइस, मैंने भिंडी छोंक दी थी, और बस मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है, बस मैंने थोड़ा सा दिखाया। देखिए मैंने छोंकने के बाद में शूट कर लिया था, और यहाँ पर भिंडी बनने के लिए रख दी थी मैंने। तो गाइस अब मैं, क्योंकि ये क्लिप आपकी नहीं है, पहले की ही है, तो अब तो मैंने कोई शूट किया ही नहीं है, तो पहले की थी तो वही शूट कर रखा था, तो मैंने उसको भी एडिट कर दिया था। और दूसरी वाली गैस पे देखो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, और काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे याद नहीं रहा था दूध उबलने के लिए, तो डर लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए। तो दूध मैंने ना इसके अंदर ना एक स्टील का चम्मच डाल दिया था, जिससे ये ख़राब ना हो। तो और आगे आज मैं दिखाऊंगी कि मेरी बेटी है ना रोहिणी, तो ऐसी छोटी छोटी क्लिप मैंने मिक्स कर दी हैं इधर देखिए, और ये दूध उबल चुका है, और यहाँ पर ये मेरी भिंडियाँ भी बन चुकी हैं। और थोड़ी सी और मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। तो प्लीज़ अब जब मैं आगे शूट करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ देखिए दूसरी तरफ ना मेरी बेटी, ये पुराने वाले जो जिसमें मैं रहती हूँ वहाँ पर मेरी बेटी ने ड्रेसिंग टेबल खोल रखा था, कह रही थी मम्मी मैं आपकी चूड़ियाँ लगा दूँ, शाम का टाइम शाम के 7 बज रहे थे। और ये देखिए शेरू यहाँ पर आकर परेशान करे जा रहा था इसको, और देखो इधर शिवांश बैठा है, तो ये बहुत ही परेशान करते हैं और ये सुनते भी नहीं। और ये देखे और देखिए ऊपर आराध्या बैठी है, यहाँ पर ये बैठी है। मतलब ये मेरा डेली का हो गया, तो अब मैं मामा के बैंगल्स को अरेंज कर रही हूँ उनके बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आप देखना मैं मामा के बैंगल्स को कैसे अरेंज कर रही हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मेरी बेटी ने सारी चूड़ियाँ निकाली थी मेरी, और सारे में फैला रखी हैं, उसको ये रख रही है ढंग से। और ये जो आते हैं ना शूज का बॉक्स, मैंने उसमें भी कुछ बैंगल्स अरेंज किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। ओके अभी हम इस सिंपल बॉक्स में अरेंज करते हैं। जरूर। और फ्रेंड्स ये देखिए शिवांश क्या कर रहा है, मैंने मतलब बैंगल्स निकाली हुई थी तो वो पैन पैन के देख रहा था। और देखिए ये बस बच्चे ऐसे बैठे थे, और शिवान देखिए कैसे कर रहा था, हाथों में भर भर के मेरी सारी चूड़ियों को उठा उठा कर पहन रहा था ये, और ये मानता भी नहीं है किसी की भी बात, और ऐसे ही करता रहता है सारे दिन। और ये देखिए मेरी बेटी ना एक एक करके सारी चूड़ियों को इकट्ठा कर रही है और लगा रही है। मम्मी के पास
इतने सारे बैंगल्स हैं कि उनको समेटने में मतलब अरेंज करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। इस ड्रॉ को खोला तो इतने सारे बैंगल्स हो गए और अभी इस वाले ड्रॉ में भी बैंगल्स हैं। अभी मैंने इसको ओपन नहीं करना और मेरे तो होते ही नहीं। और ये देखिए ये ना शेरू ना यहाँ पर आके बार बार बैठे जा रहा था इसकी और चूड़ियों के बीच में घूमे जा रहा था और ये रखने नहीं दे रहा था चूड़ियों को। और ये देखिए बहुत ही परेशान करता है ये शेरू सबको। और ये देखिए मेरी बेटी ने देखिए कितने सुंदर से ये लगा दिया है, इसका बैंगल बॉक्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है। और ये ऐसे करती रहती है बस जब इसको टाइम मिलता है कि मम्मी मैं तुम्हारी चूड़ियाँ ठीक कर दूँ, मम्मी मैं तुम्हारा मेकअप बॉक्स ठीक कर दूँ, तो ये ऐसी लगी रहती है इसमें। और तो मुझे भी जब ये थोड़ा सा कर देती है तो मुझे भी मेरा काम भी आसान हो जाता है और चीज़ें ढंग से रखी रहती हैं क्योंकि ये रखती रहती है प्रॉपर ढंग से रखती रहती है। और ये जैसा ही ये काम करती है इतनी और वैसे ही ये पढ़ने में भी बहुत एक्टिव है ये और अपना सब क्लास वर्क होमवर्क सब कंप्लीट रखती है और इसको बहुत शौक है। और देखिए शेरू देखिए पीछे से आ रहा है और देखो कैसे परेशान कर रहा है। और ये मैं जा रही थी ना इधर तो मुझे बहुत परेशान कर रहा था देखो। तो और देखिए ये ना मेरी बेटी ने सारी बैंगल को अरेंज कर दिया था यहाँ पर और देखिए एक एक डिब्बे को अच्छे से रख दिया था। और देखो शिवांश फिर बार बार चूड़ी पहने जा रहा है हाथ में और मान नहीं रहा है, मेरी बेटी मना कर रही है। और देख लो साइड में सब इसने लगा ली हैं और अच्छे से अरेंज कर दिया है मेरी बेटी ने। और देखो शिवांश को देखो कैसे हाथ भर रहा है चूड़ियों में। और मैं किचन में काम कर रही थी ना तो ये मेरी बेटी इसको मना भी कर रही थी तो ये मान नहीं रहा था। और अब देखिए ये देखिए और ये जो इसने कड़े पहने हुए हैं ना ये मेरी शादी के कड़े हैं तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसको छूने नहीं देती हूँ लेकिन मैं रसोई में बिज़ी थी ना तो बार बार ये मेरी बेटी को परेशान करे जा रहा था। और ये देखिए यहाँ पर देखिए सारे देखिए और ये देखो इसने सब लगा दिए हैं सब अच्छे से ढंग से लग दिए हैं। तो अगर आप सबको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना था। और ये ना मेरे पास ये मेरी अब की क्लिप नहीं है, ये पहले की क्लिप पड़ी हुई थी तो ये अब कोई अब मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है इस टाइम पे ना वीडियो बनाई है। तो ये देखिए हो चुका है तो ये पहले की क्लिप पड़ी थी, मैंने सोचा चलो वीडियो नहीं बनी तो चलो थोड़ा मैंने कहा यही शेयर कर दूँ आपके साथ कि कैसे कैसे मेरी बेटी करती रहती है घर में जब फ्री होती है। और देखो शिवांश भी बहुत परेशान करता है मेरी बेटी को और मानता नहीं है ये बिल्कुल भी।